टाइटल कैसे डालेगा? स्टैटिक्स आर डेटा बट ऑल डेटाज आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। जो ऑल स्टैटिक्स है वो क्या नहीं है? डेटा नहीं है। बस ऑल स्टैटिक्स है वो क्या है? सॉरी, डेटा है। बट जो ऑल डेटा, जितने भी डेटाज है, वो क्या नहीं होते? स्टैटिक्स नहीं होते। दो स्टैटिक्स की क्या फीचर होंगी? इन अ प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। जो स्टैटिक्स है वो क्या है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट मतलब कि जो जितने भी फैक्ट हैं, डेटाज हैं, उन सब का एग्रीगेट होगा। वो एग्रीगेट क्या कहलाएगा? स्टैटिक्स कहलाएगा। सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। एक सिंगल नंबर है वो आपका क्या नहीं हो सकता? स्टैटिक्स नहीं हो सकता। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, क्योंकि उससे आप क्या नहीं निकाल सकते? कोई कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष उससे नहीं निकाल सकते। इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। आप उसको क्या कहोगे? स्टैटिक्स कहोगे। एज द सेम कैन बी कंपेयर्ड और कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दैम, क्योंकि आप उससे क्या कर सकते हो कि वहां से कंक्लूजन निकाल सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि क्लास 11th के अंदर टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स हैं सपोज कितने, 250, 250 स्टूडेंट्स इन क्लास प्लस वन। तो जो 250 मैंने क्या बताए स्टूडेंट्स बताए हैं, दिस डेटा कैन नॉट ड्रॉन एनी कंक्लूजन्स। ये जो डेटा है कोई कंक्लूजन्स नहीं बताता। अगर यही मैं कहती हूँ इन क्लास नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स कितने हैं, हो गए हमारे 100 हैं, बायो स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 हैं, कॉमर्स में कितने हैं, 50 हैं, आर्ट्स में कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो कंपेरिजन इसकी पॉसिबल है कि किसमें नॉन मेडिकल में स्टूडेंट ज्यादा है कंपेयर टू आर्ट्स, या फिर हम ये कहें कि जो बायो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं, लेस देन कंपेयर टू मैथ स्टूडेंट्स, या फिर हम के नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। तो ये क्या कंपैरिजन है? अगर 250 में टोटल स्ट्रेंथ बता दे, 250 स्टूडेंट्स किसमें है, क्लास प्लस वन के अंदर है, तो ये क्या मीन बताएगा? कोई भी हमारा कंक्लूजन को क्या नहीं करेगा, निकालेगा नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी भी सिंगल नंबर्स होते हैं वो कभी भी स्टैटिक्स नहीं होते, क्योंकि कंक्लूजन नहीं निकालते। वहीं आपका अगर एग्रीगेट बताया जाए तो वो क्या ड्रॉन करेगा? आपका एक कंक्लूजन या कंपेरिजन ड्रॉन करेगा। तो क्लियर हो गया एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। सेकेंड इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जो डेटाज हैं, जो स्टैटिक्स है, उसकी फीचर है सेकेंड की न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। केवल वो डेटाज लेने हैं जो किस में होते हैं? न्यूमेरिकली वेट मीन इन टर्म्स ऑफ नंबर। स्टैटिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। स्टैटिक्स वो होती है जो नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस्ड हो। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लाइक स्मॉल और बिग, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं उसको आप क्या नहीं कह सकते? स्टैटिक्स नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, बिग रिच पुअर है स्मॉल है, ये क्या नहीं? स्टैटिक्स नहीं है। जैसे कि हम ये कहें इरफान पठान इज टॉल एंड सचिन इज शॉर्ट। इरफान पठान कैसे हैं? लंबे हैं, और सचिन कैसे हैं? छोटे हैं। तो उससे आप क्या, वो स्टैटिक्स नहीं है। वो क्या बता रहे कि उन लोगों की क्वालिटी बता रहे हैं, एक लंबा और एक छोटा है, क्वालिटी बताइए। कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी। However, if it is stated that height of Irfan Pathan is 6 feet and 2 inches and then Sachin is 5 feet and 4 inches, अगर इसको किसे बताया जाता, इन न्यूमेरिकल वे में एक्सप्रेस किया जाता, तो आप उसे क्या बोलोगे? इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो ध्यान रखना, स्टैटिक्स के लिए जरूरी क्या है कि वो जो डेटाज आपने कलेक्ट किए हैं वो डेटाज कैसे होने चाहिए? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। जो इंफॉर्मेशन है डेटाज की वो न्यूमेरिकली वे एक्सप्रेस्ड हो। क्लियर हो गया। थर्ड इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्लॉजेस। जो भी हमारी स्टैटिक्स होती है, जो डेटाज होते हैं, उसके इफेक्ट, मतलब उसको इफेक्ट करने वाले जो क्लॉजेस के बहुत सारे क्लॉजेस कारण होते हैं, केवल एक सिंगल क्लॉजेस नहीं होता, उसको बहुत सारे क्लॉजेस क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर। जो स्टैटिक्स होती है कभी भी एक सिंगल फैक्टर्स के थ्रू इफेक्ट नहीं होती, बट आर इंफ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर। ये बहुत सारे फैक्टर से क्या होती है? इंफ्लुएंस्ड होती है। दे बीन अफेक्टेड बाय वन फैक्टर अलोन, दे बी रिमूविंग दैट फैक्टर, दे वुड लॉस ऑल देयर सिग्निफिकेंस। ध्यान रखना, अगर किसी भी डेटा को एक सिंगल फैक्टर क्या करता है? इफेक्ट करता है, तो हम फैक्टर को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। इट मीन्स जो फैक्टर उसको इफेक्ट कर रहा था वो रिमूव हो चुका। इट मीन्स डेटा है लॉस देयर इट्स सिग्निफिकेंस। जो डेटाज है वो क्या करेगा? अपनी
जो भी उसकी सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि प्राइजेज राइज, क्या हो रहे हैं, राइज इन प्राइजेज, राइज इन प्राइज, इट मीन्स मैंने कहूं कि 20% राइज इन प्राइज ऑफ एवरी ईयर्स या एवरी मंथ, जो प्राइज है वो हर साल क्या हो रहे हैं या एवरी मंथ क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। तो प्राइस के राइज होने का कोई एक ही पर्पज नहीं हो सकता, प्राइस के राइज होने के मेनी पर्पज हो सकते हैं। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल उस गुड्स की सप्लाई ना हो मार्केट में, हो सकता है कि उस गुड्स की लोग इतनी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि सप्लाई नहीं हो पा, डिमांड ज्यादा बढ़ गई, या फिर शॉर्टेज ऑफ पावर, पावर की शॉर्टेज हो गई है, राइज इन वेजेस, वेजेस बढ़ गई हैं, टैक्स बढ़ गए। मतलब कि एक चीज के, किसी भी गुड्स सर्विसेज के प्राइस बढ़ने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अगर एक रीजन होता है कि सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई को बढ़ा दो तो प्राइजेस कंट्रोल हो जाएंगे। इट मीन्स एक फैक्टर, अगर सिंगल फैक्टर क्या करता है, इफेक्ट करता है, आप उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अगर सिंगल फैक्टर उसको बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, अगर इफेक्ट करते हैं, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। इट मीन जो स्टैटिक्स होती है उसको इफेक्ट करने वाले बहुत सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है, हम कहते हैं ना कोरोना के बहुत सारे क्या है डाटा, हम देखते हैं ये डाटा जो ये हो रहा है, इतने लोग के क्या इंक्रीज हो गए, इतने की डेथ हो गई, इतने की रिकवरी हो चुकी है, इतने कंफर्म हो चुके, इतने एक्टिव है, तो उसको केवल एक सिंगल फैक्टर्स अफेक्ट नहीं कर रहा, बहुत सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इफेक्ट। अगर एक सिंगल फैक्टर इफेक्ट्स करता तो हम शायद उसको क्या कर चुके होते यार, रिमूव कर चुके होते, इस बीमारी से, इस कोरोना वायरस से हम क्या कर चुके, इससे लड़ चुके होते। लेकिन उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बहुत है कि हम किसी के टच नहीं आ सकते, हाथों को ये करना है, साफ सफाई रखनी है, बाहर नहीं निकलना है, ये यूज नहीं करना, वो यूज नहीं करना, मतलब कि उसको उसको इफेक्ट्स करने, उस बीमारी के इफेक्ट करने वाले बहुत सारे क्या हो रहे हैं, फैक्टर्स हो रहे हैं, इफेक्ट्स कर रही है। ठीक है, तो स्टैटिक्स को इफेक्ट करने वाले कैसे होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। अब है फोर्थ हमारा रीजनेबल एक्यूरेसी। जो भी स्टैटिक्स के अंदर जो कंक्लूजन निकल कर आता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कैसी होती है, रीजनेबल। हम ये नहीं कह सकते कि वो कंप्लीट कैसा है, एक्यूरेट है, रीजनेबल एक्यूरेसी होगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, ये किसके ऊपर डिपेंड्स कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन की उसका पर्पज क्या था, उसका नेचर क्या है, उसका साइज क्या है, और उस टाइम आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल थे। तो इसके अंदर जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो कैसा होगा, रीजनेबल। ए रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी कैप्ट इन व्यू टू अनलाइक कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल वाइल्ड कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। इट मीन जो एक्यूरेसी निकल कर आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि आपने जिस टाइम डाटा को कलेक्ट किया था उस टाइम डाटा कलेक्ट करने का मेन पर्पज क्या था, और डाटा कलेक्टर वो डाटा के नेचर कैसे थे, साइज कैसे थे, अवेलेबल रिसोर्सेज कैसे थे। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, डाटा किस चीज के कलेक्ट करने हैं, आपकी हाइट के डाटा कलेक्ट करने हैं, तो हाइट के जब आप डाटा कलेक्ट करोगे तो उस टाइम आपका पर्पज, आपने क्या किया, सीधी हाइट को क्या कर लिया, मेजर कर लिया। ठीक है, लेकिन कंप्लीट स्टूडेंट्स क्या नहीं है, वहां क्लास के अंदर नहीं है, उस हो सकता है क्लास में उस टाइम प्रेजेंट ही केवल कितने परसेंट स्टूडेंट्स हो, 60% स्टूडेंट्स हो, तो एवरेज हाइट हमने भी 60% स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, एवरेज हाइट। तो जो कोई अगर हमसे पूछेगा क्लास प्लस वन की एवरेज हाइट कितनी है, तो हम उसे 60% अकॉर्डिंग क्या बता देंगे, आपकी एक्यूरेसी। तो लेकिन वो एक्यूरेसी क्या, जो रिजल्ट है वो कैसा नहीं है, कंप्लीट एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम हमने डाटा कलेक्ट किए थे उस टाइम पर्पज हमारा कुछ और था, नेचर 60% स्टूडेंट्स ही क्या थे, प्रेजेंट, हो सकता है वो सारे के सारे उस टाइम कैसे हो, सारे छोटे हाइट के स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो, जो लॉन्ग स्टूडेंट्स है, चार पांच स्टूडेंट्स है, वो सारे ना हो, तो एवरेज हाइट हमारी कैसी आएगी, इनकरेक्ट आएगी। फिर है प्लेज इन रिलेशन टू ईच अदर, जो डेटास होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो डेटास है प्लेस कब, रिप्लेस कब हो सकती है दूसरे की जगह, जब वो डेटास कैसे हो, सिमिलर डेटास हो, सच न्यूमेरिकल अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज अ म्यूचुअली रिलेटेड, एक दूसरे से कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली रिलेटेड होने चाहिए, सो कंपेरेबल्स होने चाहिए, अनलेस दे हैव क्वालिटी ऑफ कंपेरिजन दे कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अगर क्या नहीं है उनकी क्वालिटी कंपेरिजन के बिना, तो हम क्या नहीं कर सकते, स्टैटिक्स को नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड पर्पज, कि स्टैटिक्स जब भी आप कर, स्टैटिक्स की फीचर्स क्या होती है, कि इसको करने से पहले, डाटास को कलेक्ट करने से पहले आपका क्या होना चाहिए, एक डिटरमाइंड पर्पज होना चाहिए। अगर आपको आपका डाटा को कलेक्ट करने के पीछे कोई पर्पज नहीं है, तो आपका रिजल्ट है वो क्या है, केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वो स्टैटिक्स नहीं होगा। ठीक है,
जैसे कि अभी आपके केवल मार्क्स के मैंने क्या कर लिए, डाटा स्कलेक्ट कर लिया, अच्छा बच्चों अपने टेंथ में कितने कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किए रख लिया, और मेरा पर्पज नहीं है कुछ भी, तो वो केवल क्या क्या है मेरे लिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज है। लेकिन वही मेरा पर्पज क्या है, केवल ये निकालना इसमें से फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड क्या है। मेरा पर्पज है फर्स्ट सेकंड थर्ड को निकालना, या फिर ये निकालना अबव 90% कितने हैं, अबव 80% कितने, अबव 70% कितने हैं, वो मेरा पर्पज था निकालना। तो उसके अकॉर्डिंग पर्पज था तो वो क्या होगी, स्टैटिक्स हो गया। लेकिन जब पर्पज ही नहीं है तो जो भी आपकी क्या है मार्क्स मेरे पास अवेलेबल है वो केवल क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई भी क्या नहीं है, स्टैटिक्स नहीं होगी। फिर है एन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वॉस्ट, देखो अगर इन्वेस्टिगेशन की जो फील्ड है वो कैसी है, वॉस्ट, बहुत बड़ी है, तो आप किस चीज का यूज करोगे, एस्टिमेशन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, एस्टिमेशन का या एस्टिमेटेड यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की क्या हो रही है, रैली निकल रही है 10 उसके अंदर दिल्ली के अंदर, वहां अप्रोक्स कितने लोग थे, भीड़ को मैंने देखा अप्रोक्स कितने लोग थे वहां पर, मैंने कहा 2 लाख पर्सन थे वहां उस रैली के अंदर। तो क्या मैंने उनको काउंट किया, नहीं, केवल भीड़ को देखा और एस्टिमेट करके मैंने बता दिया कि इतने लोग वहां थे उस रैली के अंदर। जहां पर क्या ना हो, काउंटिंग करनी पॉसिबल ना हो, एक एक डाटा स्क्वायर करना पॉसिबल ना हो, तो आप किसका यूज कर सकते हो, एस्टिमेटेड का यूज कर सकते हो। जैसे अप्रोक्स असेंबली आपकी हो रही है, उस टाइम कैलकुलेट करना जो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है बच्चों को। हमने कहा असेंबली में एटलीस्ट कितने स्टूडेंट थे, 1500 2000 स्टूडेंट्स वहां थे, तो हमने क्या किया उसको केवल एस्टिमेटेड को यूज किया। वही जहां इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का जो फील्ड है वो कैसे हो, लिमिटेड हो, लिमिटेड हो, तो आप एनुमरेशन का यूज कर सकते हो। इट मीन्स आप ईच एंड एवरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि क्लास की डेटा लेने की, बताओ मैडम क्लास प्लस वन कॉमर्स, जो कॉमर्स क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं काउंटिंग करके बता सकता हूँ आज इतने स्टूडेंट्स क्या है प्रेजेंट, इतने स्टूडेंट्स क्या है एबसेंट है। क्यों, क्योंकि जो एरिया है, जो फील्ड है इन्वेस्टिगेशन का एरिया, वो कैसा है, बहुत ही छोटा है, तो उसको कैलकुलेट कर बताया जा सकता है। जहां फील्ड कैसा हो, लिमिटेड हो, आप एनुमरेशन का यूज कर सकते हो। जहां फील्ड कैसा हो, वास्ट हो, बहुत ज्यादा हो, तो वहां आप किसका यूज करोगे, एस्टिमेटेड का यूज, एस्टिमेशन का यूज करोगे। एंड लास्ट फीचर इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो भी डेटाज होते हैं स्टैटिक्स के अंदर, वो सारे किसके अंदर यूज किए, किसके अंदर कलेक्ट किए जाते हैं, सिस्टम के अंदर। क्योंकि सिस्टम अगर आपने यूज किया तो आप क्या करोगे, डेटास को सिस्टम के अकॉर्डिंग कलेक्ट करोगे, तो कंक्लूजन आपका कैसा निकलेगा, ट्रू कंक्लूजन निकलेगा, रिजल्ट अच्छा निकलेगा। बिफोर कलेक्टिंग दम ए प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। किए कलेक्ट किए हैं तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक सिस्टम का यूज करना चाहिए। बिफोर कलेक्टिंग दम, उनको कलेक्ट करने के से पहले, ए प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। आपको क्या करना है, एक प्लान को प्रिपेयर करना है। अगर आपने डेटा कलेक्ट करने के लिए हैप हैजर्ड्स मैनर को यूज कर लिया, मतलब कि कोई सिस्टम नहीं यूज किया, तो जो आपका रिजल्ट निकलने वाला, वो रिजल्ट कैसा निकलेगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। नो कंक्लूजंस, नो ट्रू रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो, ऑल न्यूमेरिकल डेटा कैन नॉट बी कॉल स्टैटिस्टिक्स। सभी न्यूमेरिकल डेटा क्या नहीं हो सकते, आपके स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती, बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा। सभी स्टैटिस्टिक्स आपकी क्या होती है, न्यूमेरिकल डेटा होती है। ओके okay?